काम
हम वहाँ कोई चलो जो चले आ ठीक हो गया जी आ जाएगा सर ठीक है
हम प्रोफेशनल हैं आपका गुलाम माशाल्लाह आप ठीक हैं गाड़ी सामने खड़ी है।
छोटा कित है उसके अगे लाओ नाम ये गाड़ी है कर दियो ठीक है ठीक है दूर से जाना मोटरवे से इटली की हवा लग सी तो इन बहुत
मेरे बैग सेट करने से मैं स्टे में दिस रहा किधर पर चलो रात को बात से भी लगा लाइट भाई साहब इलियास जी जी वसीम सर जी क्वेश्चन लिया वहाँ से छोटा बैठो ना बैठे बैठे आ गया बैठे आ गया बैठे आ गया दूसरे मेहमान नहीं आए किधर हम आपके सिंपल ही हम पिछड़े लोगों को ईमान की वजह से रिश्ता ईमान का ये एजाज है और इस रिश्ता ईमान का ये करम और इसकी खसूसियत है इसमें मशरक मगरब वाले खुदा कहीं ना कहीं मिला रिश्ते के खून में सिर्फ वहाँ सफ़र होता है जहाँ पर खून मौजूद हो और दीन के रिश्ते में वहाँ तक सफ़र होता है जहाँ तक दीन मौजूद हो चूँकि हमारी आपकी यारी दीनदारी की वजह से और दीनदारी के नतीजे में जो यारी होती है यही प्यारी होती है और सारी खुदाई में ये वो वाहिद रिश्ता है कि जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ नस्ल कौम और इलाके वाले इकट्ठे हो जाते हैं इसकी मिसाल ऐसे है जैसे काबतुल्ला में वो लोग इकट्ठे होते हैं उनका ना आपस में रिश्ता होता है ना कौम एक होती है ना रंग एक होता है ना नस्ल एक होती है सिर्फ उनकी रूह एक होती है वो रूह इस्लाम है इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस रब्बुल आलमीन ने हमें दीन इस्लाम की वजह से मुख्तलिफ़ुल अवतान होने के बावजूद एक दूसरे को देखने का मौका दिया और जिस छत के नीचे कलमा पढ़ने वाले मौजूद हों वहाँ रहमत के फरिश्ते भी मौजूद हैं आप सब साहिबान सिद्क़ व सफ़ा
और दियार गैर में रह कर इस्लाम के नूर की शक्ल अख्तियार कर इस वतन में पूरे इस्लाम की शमा रोशन किए हुए खिदमत दीन की खूबसूरत जिम्मेदारी से सरफराजी की मंजिल तय कर रहे हैं। हाजी अशरफ साहब और इनके तमाम रफका इनके आशियाने पर आप सब बैठे हैं, अल्लाह इनको अजर अता फरमाए और वो तमाम साहिबान मोहब्बत जिनके दिलों में अहलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन है, अल्लाह उनके सीने रोशन रखे। ये महफिल मजलस जलसे ये तो होते रहते हैं और होते रहेंगे, लेकिन तसव्वुफ की बुनियाद पर जो रिश्ता कायम होता है, तरीकत की बुनियाद पर जो रिश्ता कायम होता है, ये रिश्ता जलसे की वजह से नहीं होता और ये ताल्लुक किसी प्रोग्राम की वजह से नहीं होता। इस ताल्लुक में मुलाकात खुद एक प्रोग्राम होता है। तालिब व मतलूब का फाहम जमा होना और मुहिब और महबूब का फाहम जमा होना, यही सबसे बड़ा मकसद है। आपके और हमारे माँ बहन दुआओं का रिश्ता है, हमारे और आपके माँ बहन वफा का रिश्ता है, हमारे आपके माँ बहन मज़हब और दीन और मसलक का रिश्ता है। और इस बुनियाद पर जो ये रिश्ता कायम हुआ है, लिहाजा चाहे जितने भी आए भी बाद मुखालफ के जोंके आपके सरों से गुजर जाएँ, ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं, इंशाल्लाह और मजबूत होने वाला। आप सब लोगों को थोड़ा सा नगमे रब्बानी, थोड़ा सा उस रब की याद के जिसके याद से दिलों को चैन दिलों को करार मुयसर आता है, और वो जात के जिसके जिक्र से अर्शी फरिश्ते ज़मीन पर उतर के बंदों से उसका जिक्र सुनते हैं। मैं आप सब लोग जो इटली में रहने वाले हैं, आपको तो मामूल का शायद पता ना हो, कि जो लोग मेरे साथ हैं उनको इस मामूल का मुकम्मल तौर पर तारुफ है, वो जानते हैं कि ये जिक्र पाक की महफिल हमारा तरीका क्या है। वैसे तो आप सब जाकिर हैं अल्लाह के, और अल्लाह का जिक्र जब तक जारी रहता है इंसान की रूह मरती नहीं। तो रूहानी ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए खुदा का जिक्र ज़रूरी। सूफ़ी वही होता है जो जिक्र करता भी है जिक्र कराता भी है। जो सिर्फ जिक्र करता है ये महदूद है, इसकी खैर वो है जो इसके सर से पाँव के अंदर जो सर से पाँव तक जो इमारत बनी हुई है, इसकी खैर सिर्फ इस इमारत के अंदर तवाफ कर रही है। लेकिन सूफी बासफर और फैज़ रसा इंसान वो है कि जो इस फैज़ ज़िक्र खुदा को अपने जिस्म की इमारत तक महदूद न रखे, बल्कि जिधर जाए लोगों के दिलों में खुदा का जिक्र डालता। ज़िक्रुल्लाह ही हमारी पहचान है, ज़िक्रुल्लाह ही हमारी रूहानी खुराक है, अल्लाह का जिक्र ही दिलों का चैन है, और अल्लाह का जिक्र भी वो खूबसूरत आदत है जो अल्लाह ताला उन्हें देता है जो अल्लाह से प्यार करते हैं। तो थोड़ा सा गुरु शरीफ का जिक्र करें, इंशाल्लाह बात करूँ शरीफ का पहले मैं पढ़ूँगा, पहले मैं पढ़ूँगा उसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस मोहब्बत से पढ़ें कि ये कमरा गूंज जाए और पूरे इटली के शर्क वर्ग में ये मजलिस ऐसे नजर आए जैसे आसमान पर सितारों और चांद इस अंदाज से आप सब मजलिस से। सल्ले अला नबी
صلی علی محمد صلی Allah.
شریف کا ذکر دوسری طرز میں محبت ذوق شوق کے ساتھ ایک دفعہ سن کے پھر میرے ساتھ محبت کے ساتھ ذکر شروع فرمائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ مصیبت رنجش و آلام تو محفوظ فرمائیں. یا اللہ اساں ساریاں نو ایمان والی زندگی عطا فرمائیں. آمین. اے اللہ موت بھی ایمان والی نصیب. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم. آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. نظر صاحب ہے مسجد کے صدر ہیں, حاجی عاشق صاحب ناج صدر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے شفاقت صاحب اور شفقت صاحب ان کا جو شوکت صاحب اور شفاقت صاحب ان کا جی خزانچی ہیں, صدر صاحب جی اٹھے صدر بنن کی سزا ہے, وہ نائب صدر ہے عاشق صاحب کی, ان کے ساتھ شفاقت صاحب ہے جو کھانے کی بات میں بہت ہی سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہے, آپ کے شوکت صاحب بھی یہ خزانچی ہیں, تو یہ قریشی صاحب ہمارے بڑے محسن ہیں
और तालीम के इदारे से इनका तल्लक है अब टेम साइड कौंसिल में, तो ये कल के आए, एक्चुअली परसों उमरे से आए हैं, इन्होंने टिकट कराई तो कल की टिकट मिली तो आ गए, ठीक है जी। और वो अपने खलीफा साहब जो हमारे खलीफा मिजाज है मुर्शद साहब के आसमान है बर्मिंघम से तल्लक है इनका, तो साबर साहब उनका नाम है, तो अपने वसीम साहब किधर है, नसीम साहब है, वो भी हमारे बड़े अच्छे मोहसिन भाई हैं और ख़ास करके हजरत साहब के बड़े ख़ास खादम हैं, तो अपने चौधरी कुरबान साहब है मेरा ख्याल है इनके पारक करने हमारे राजा अजीज साहब भाई साहब खड़े हो रहे हैं, राजा अजीज साहब हमारे बहुत ही अच्छे अजीज दोस्त हैं और स्पेशली आपकी मस्जिद से इनका बहुत तावन है, तो बड़ी बेसमिता से वीर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी तावत को कबूल फरमाया और अपने रफाका को भी साथ लाने की इजाज़त दी, और हमारे बहुत ही प्यारे साथी चौधरी महमूद साहब हैं सियासी और समाजी रुकन है, ओल्डम की बड़ी अहम शख्सियत है, मुईन इस्लाम की इंतजामिया कमेटी में भी जी कमेटी में तो मेरा बेटा भी यहाँ था, पता नहीं किधर गया, कार आया हुआ है, वोकल का आया हुआ है, तो मैं भी आपका खातम आपके साथ, मेरा बेटा ये हाजी नेम, हाजी नेम साहब का तो कराने वाला था हमारे जी वजीर इत्तलात और नशरियात हाजी नईम साहब हैं, बड़े ही मौसम और बड़े ही हमारे प्यारे साथी हैं, अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए, खिदमत करते हैं दादी और हम सब इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सब ने टाइम निकाला हमारे साथ आए, क्या करना बड़ा ये तो वो हाजी शरीफ साहब भी खड़े हो जाए, हाजी शरीफ साहब मेरे चचा साहब भाई है, ये मेरे कजन है, ठीक है जी, रियाज साहब वो खड़े है, वो भांजा है हमारा, और दूसरा बास भी है, तारक भी है, सब भाजपा की तरह अपनी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो इनका ये इधारा है, तीन मकान है, कि ये है रूसी मगर पे और एक उसके ऊपर है, तो ये एक्चुअली ये जगह जो है ना, ये पहली दफ़ा जब पीर साहब को लाने का हमारा प्रोग्राम बना था तो हजरत साहब बीमार हो गया ना, ये उस दिन की ये वक्फ हुई हुई है जगह पीर साहब के लिए, तो मतलब हमने वक्फ कर दिया है, जब भी पीर साहब आए माशाल्लाह तशरीफ ले जाएंगे इंशाल्लाह, फिर साहब का मैं क्या शक्त समझता हूँ अल्लाह ताला आपने कर्म किए हैं, अपने की दुआ है, बहुत ही कुछ जी राजा जी साहब है जी, बड़े अच्छे पिछले दिनों की बात है, इन्होंने कुछ कर्जे हसना दिया हुआ था मस्जिद को जब खरीदी थी पीर साहब ने शुरू शुरू में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारे पीर साहब पैसे वापस करते जाते हैं, तो इनकी बारी आई तो उनका तकरीबन 7,500 पहुंचता, फिर साहब ने फरमाया कि आपके पैसे ले लो राय साहब, उनका जी मैंने मस्जिद कर दिया, मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है और आपकी भी खुशकिस्मती है, वही ना सारी मस्जिद ही थे जी जी आपकी मस्जिद, इसीलिए दोबारा तो खड़ा भी है कि मेरे साथी देख लीजिए राजा साहब, ये सब हजरत का सही है, हम कुछ भी नहीं है सर, सही ये उनका प्यार है हमारे साथ, या मैं भी गया तुम्हें लान का यशर साहब आए और चिन्ह की खिदमत करनी है, बाहर नहीं खड़े होंगे ये अंदर ही बैठ रहे हैं कि मेरी टीम के आदमी बाहर खड़े होंगे खिदमत करनी हो, माशाल्लाह ने लान किया इनका बहुत शुक्रगुजार, ये हमारे सदर साहब हैं पता है आपके साथ जैसा हमारे सदर साहब ये डिप्टी साहब हैं जी सर, ये नाब साहब जरा खड़े हो जाओ, ये मस्जिद के सदर साहब जी नाब साहब, ये नाब सदर है शाह, ये नाब सदर है शाह साहब, सही बात जनरल सेक्रेटरी है जी, ठीक है जी,
अपने अर्शद खादम भाई सारे मतलब है कि और आरफ साहब लाला शेख अहमद खान साहब बस से सब लोगों का बहुत ही काम रखा खड़े है ना आप यहां अच्छा हूँ देखो कितने में अथली बुलाई बोले इजी इजी थोड़े जे इजी इजी चमकन आई फोटो आले पास करने ਨੋਟ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਸ
ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਚੌਕੀ ਬਣਾਇਓ ਜੀ ਜੇ ਮੁਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਵੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨੋਟ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਮਲਾ ਤੇ ਤੋ ਲੱਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ रोटी भी आनी पूरा एड्रेस आ जाएगा मस्जिद का कि जगह प्रोग्राम हो रहा है ये लगाए नीचे पूरा पूरा इसको लेना ऊपर से नीचे तक बड़ी इज्जत है जी मेरी इंतजामिया पाकिस्तान जामिया मस्जिद लफ्ज़ रा टकिया सा ओ बीच आई बरकम हो आए आओ बरकम नूर गुना फालतू पे हां इटली ठीक ता फुल लगी सर बेचारी है सारी फिल्म बन रही चल मैं पीछे मिर्ज़ा साहब नीचे ओ थले और मेरे को थले नजर दिस रहा हूं जी यार फिल्म बन रही है डराओ ना चलो ऐसा मिल रहा हूं मेरी आंखें बढ़िया बढ़िया है यार चलो ऐसा डाल बिठाओ ना अल्लाह रात की बंदा की तीतरी इतनी कर रहे हैं माशाल्लाह प्यारे ओड़िया लो हूँ मेरा बैग लैके आ रहे एयरपोर्ट तो तरकी बना रहे हो देसी पिछे गड्डी आ सकती है और क्या है और क्या है
ਅੰਦਰ ਸਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੀਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾ ਦੋ। ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ ਮਾਰੀਆ ਖੋਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी क्या है इधर? क्या काम कर रहे हैं? जिस टाइम पहली दफा ब्रेडफोर्ड आए इतना डिफरेंट दाढ़ी में बात आप मुझे तो मैं बताता हूँ इसको यूं लिखना है ये जो है अल्लाह ताला ऊपर नीचे नहीं होता, वो जमान मकान सिम इन चीजों से पाक सही बात। बड़ी रोशनी पाई है सरकार, तो ये भी जरूरी चीज है, बहुत जरूरी था। दूसरा ये रात में मसला दिशा सारे साथ हैं, मुसाफिर इमाम हो गए ना जिसले पीछे जो खलोते हैं वो होन मुक्तदी उठे मकामी बंदे वो जिसले अपनी दौर कर रहा कुछ करण दे रहा उसके अंदर उन्हें पढ़ना कुछ नहीं है, पता नहीं इमाम से दो पढ़ के अपनी दुआ कर दें ये पीछे खलो जाते हैं, लोग दो रकात पूरी कर दें, उस दो रकात के अंदर कोई सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, कुछ नाल नहीं पढ़ना, वो अंदाजे दे नाल इतनी देर खड़ा होना है सिर्फ जितनी देर तुसी सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, पढ़ना कुछ नहीं, खामोश। ये मसला किसी को नहीं है, वैसे कोशिश ये होनी चाहिए क्योंकि ये मसले लोगों को पता नहीं, तो इमाम कोई मुकामी होवे ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इस देख के कोई, लेकिन शर्त यह है कि मुसाफिर और मुकामी दो बंदे नमाज पढ़ा सकते हैं, उन्होंने जो ज़्यादा इलम वाला है मसाइल के एतबार में वो नमाज पढ़ाए। ये इमामत के बयान में मैंने ये सब कुछ इमाम कैसा होना चाहिए, इमामत की, और ये जो अभी आपने बताया कि वो पीछे वाले खामोश रहेंगे जब वो दो रिकाते अकेले में पढ़ेंगे इमाम के साथ में शुरू हुए तो बिल्कुल इसी तरह आपने इसी एक और रपड़ भी है कुरैश साहब जनाब, आप तो शोबे तालीम से वाबस्ता हैं, इसमें एक चीज़ और भी है वो ये है
کہ جس ویلے تسی عام امام دے پیچھے نماز پڑھتے ہو او بھی بیرگامو دے تسی بھی بیرگامو دے ہو اے بیرگامو ہے نا بڑا علاقہ تے ایتھے جے تسی آئے تو انہیں پڑھیاں ایک رکعت پڑھ لی تسی تین پیچھے پڑھیاں ہن جے کھلو کے پڑھو گے تے کیڑی پڑھو گے چوتھی تو پڑھو گے پر او کیڑی والی پڑھو گے جڑی پہلی گزری ہے وہ پڑھو گے اس طرح پڑھو گے امام تو بعد سورہ فاتحہ پڑھو گے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر کل شریف پڑھو گے وہی رہ گئی سی جی جی پہلی رہ گئی سی امام تے امام کول تسی تواڈے کو ایک کھنج بھی جی او کھنج جڑی او کیڑی ہے پہلی ہو سکتی ہے وہ تو ہو نہیں سکتی تسی دوسری بھی شامل ہو جاؤ تے جس لے سلام پھیرے گا وہ تے تسی کھڑے ہو گے تے تسی کس طرح پڑھو گے تسی پڑھو گے سورہ فاتحہ کیونکہ پہلی پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ تو بعد کل شریف پڑھو گے جی مکمل ہو جائے گی لیکن اگر امام مسافر ہے اور تواڈی ایک کھنج گئی امام مسافر ہے اور تواڈی ایک کھنج گئی تے پھر جلا کھلو کے پڑھو گے نا تو پہلے تسی اے نہیں پڑھنی جڑی تواڈی کھنج گئی ہے پہلے تسی پڑھنی ہے جڑی خالی ہیں خالی کیڑی ہوندی ہے جسے صرف سورہ فاتحہ ہوندی ہے اور قرات علی بعد ہی پڑھنی ہے امام مسافر ہوئے اور امام مقیم ہوئے یہاں ہی فرق یہ ہے کہ اگر امام مقیم ہے اسے علاقے دا ہے جی پھر تسی او پہلے پڑھو گے جڑیاں امام کولو رہ گئی ہیں تواڈے تسی پیچھے رہو لیکن اگر امام مسافر ہے پھر تسی او پہلے پڑھنی ہیں جڑی تواڈی اپنی رہ گئی ہیں مثلا امام علی نہیں اکاؤنٹ ہوئے گی او بعد ہی پڑھنی ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں چار رکعت نماز پڑھی زور کی آپ نے چار پڑھنی ہے نا چونکہ آپ مقامی ہیں میں پڑھا رہا ہوں دو جب آپ آئے تو میں اتحیات میں بیٹھا ہوں جب میں آپ آئے تو میں اتحیات میں بیٹھا ہوں آپ کو پتہ بھی ہے پیر صاحب جو ہے یہ مسافر ہیں اب اتحیات میں آپ بیٹھیں گے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عام نارمل نماز ہوتی تو کیسے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کل شریف ساتھ پڑھتے ہیں پھر دوسری پڑھنے کے لیے پھر ایسا کرتے لیکن اس میں ایسا نہیں اس میں آپ پہلے خاموشی سے کھڑے رہتے دو رکتے خاموشی سے پڑھ کے اتحیات کرتے پھر کھڑے ہو کے آخر میں وہ قرات والی پڑھتے الٹا ہے اس لیے کوشش کر یہ مسئلہ اتنا اوکھا ہے سمجھانا بھی مشکل ہے اس واسطے کوشش یہ کرنی چاہیے کوئی اچھا جڑا جنہوں مسائل کی خبر ہوئے وہ مقامی بندہ وہ نماز پڑھا دے تاکہ لوگوں کو لیکن حضور آخر تے تشہد بھی خاموش نہ نہیں تشہد تو چونکہ امام کے پیچھے تم تشہد پڑھتے ہیں نا لیکن امام کے پیچھے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نا نہیں پڑھتے اس لیے وہاں نہیں پڑھنا اور تشہد امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں اس لیے تشہد جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یعنی یہ آدمی جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کے کچھ نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی بھی امام کے پیچھے ہی ہے حالانکہ امام اپنی نماز پڑھ چکا ہے اس لیے یہ نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ یہ نہیں بس ایسا کھجورا دیو نا سارا میں ایک لے لی قریشی صاحب اللہ اچھا مقبول عمرے کا ثواب آمین آمین بیڑے پار ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بیڑے پار ہو گئے آپ نے فرمائش کی ہے تو حاضر ہو ماشاءاللہ واو بسم اللہ نہیں لے لی